रश्मि आंगन में सूख रहे गेहूं पर से कौओं को उड़ा रही थी। कौवे बार बार आंगन में रखे गेहूं पर आते और रश्मि उन्हें उड़ा देती। रश्मि झुंझलाहट में आ गई। फुर फुर, चलो चलो अब आए ना, फिर देखना कितना दिमाग खराब करते हैं ये कौवे, भी ना सारा गेहूं खराब कर रहे हैं। अरे बहू, कोई बात नहीं है, थोड़ा गेहूं चुग भी लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कौवे को भोजन खिलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश इसे भी दिया जाता है। पर अब तो मैंने इन्हें उड़ा दिया, अब क्या करूं माँ जी? मुझे इनके बारे में बताइए माँ जी, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती। कौवों को श्राद्ध पक्ष में भोजन खिलाने का क्या महत्व है माँ जी, मुझे भी समझाइए। ठीक है बहू, मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। आओ यहाँ आंगन में बैठते हैं, मैं तुम्हें श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बताती हूँ, तो सुनो। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है, इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा तुम्हारे ऊपर है, पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो ये माना जाता है कि पितर नाराज हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेता है और कौवे को खाना खिलाने से वो भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण ये है कि पुराण में कौवे को देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरा था, ये था सबसे पहला कौवा। श्राद्ध में कौवों को भोजन खिलाने के पीछे भी एक कथा है बहू, वो सुन। ये कथा त्रेता युग की है। एक दिन भगवान राम और माँ सीता वन में घूम रहे थे, तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा, और फिर उसने माता सीता के पैर में चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया। स्वामी, मेरा पैर, आह, बहुत पीड़ा हो रही है। देवी सीता, ये तो तुम्हारा पैर लहूलुहान कर गया। इस कौवे ने जानबूझकर तुम्हारे पैर में चोंच मार दी। रुको, मेरे बाण से ये कौवा नहीं बचेगा, शायद मेरी शक्तियां इसे ज्ञात नहीं। जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले जयंत अपने असली रूप को धारण कर अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए, भगवान राम के धनुष से निकला बाण मुझे छलनी कर देगा। तुमने भगवान श्री राम से बैर लिया है, उनका विरोध किया है। जयंत, प्रभु श्री राम का विरोध किया है तुमने, मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। अब मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? पिता के शरण ना देने पर जयंत भयभीत होकर ब्रह्मलोक शिवलोक समेत सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा, लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ इसलिए नहीं रुकने दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के दोषी को कौन हाथ लगा सकता था। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर कहा, नारायण नारायण, पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। श्री राम बहुत दयालु हैं, वो अवश्य तुम्हें शरण देंगे। जो आज्ञा नारद मुनि, मैं भगवान श्री राम से ही क्षमा मांगता हूँ। नारद मुनि से आज्ञा लेकर जयंत भगवान श्री राम की शरण में जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। हे शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर दयालु प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी जयंत रूपी कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। उस दिन से कौवों को एक आंख का माना जाता है। जयंत ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु,
मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे घृणा ना करें बल्कि मेरा सत्कार करें। पुत्र जयंत, पृथ्वी पर पितृ पक्ष में कव्वों को भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कव्वों को अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपार है। और तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के ये उपाय श्राद्ध में खीर पूरी आदि पकवान बनाकर कौओं को भोग लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। ये वो अवसर होता है जब हम खीर पूरी आदि पकवान बनाकर उस भोग को अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिससे तृप्त होकर पितरी हमें आशीर्वाद देते हैं। पितरी कभी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। अब समझ आया बहू? माँ जी, पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद मिलना कितना महत्वपूर्ण है, आज मुझे समझ आ गया। और श्राद्ध पक्ष में कौओं को भोजन खिलाने का महत्व भी परिवार में सुख शांति समृद्धि लाता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना कितना अनिवार्य है, ये बात जानकर रश्मि भी पितृपक्ष में परिवार के सदस्यों के साथ आदर पूर्वक पितरों की पूजा करती है। कर भला तो हो भला, ये कहावत भले ही सुनने में पुरानी लगती हो, लेकिन असल जिंदगी में अब भी कारगर है। इसी सीख पर आधारित ये कहानी है कुणाल के परिवार की। कुणाल का परिवार शहर के अमीर परिवारों में गिना जाता था। कुणाल के पिता केशव का अपना टेक्सटाइल का बिजनेस था। केशव की माँ सुनैना घर संभालती थी। वो एक समझदार और बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। वो हमेशा कुणाल को दूसरों की मदद करने और मेहनत करने की सीख देती थी। कुणाल खुद भी एक अच्छा लड़का था। वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था और व्यवहार में भी बहुत अच्छा था। एक दिन कुणाल स्कूल से घर लौटा तो उसे उदास देखकर सुनैना ने उससे पूछा, कुणाल आ गया बेटा, क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, दुनिया में कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं? सब लोग एक बराबर क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे इंसान के जीवन में सुख की अहमियत है, ठीक वैसे ही दुख और परेशानियां भी जरूरी है बेटा, ताकि इंसान संघर्ष करता रहे और अपनी मेहनत से अपनी खुशियों को हासिल करे। इसीलिए कभी भी हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, मेरी क्लास में एक लड़का है सोनू, वो बहुत गरीब है। उसके पापा इस दुनिया में नहीं है और उसकी मम्मी हमारे ही स्कूल में सफाई का काम करती है। वो जो गरीब बच्चों के लिए सीट खाली रखी जाती है ना स्कूलों में, उसी से सोनू का एडमिशन हुआ है। लेकिन लेकिन क्या बेटा, बता मुझे क्या बात है? माँ, सोनू को मेरी क्लास के कुछ बच्चे बहुत परेशान करते हैं। सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उसे कामवाली का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता माँ। आपको पता है सोनू पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो बेचारा इतना गरीब है कि स्कूल में कभी टिफिन लेकर भी नहीं आता। वो स्कूल में पूरा दिन भूखा रहता है माँ। ये तो बहुत दुख की बात है बेटा, तुमने ये सब अपनी टीचर को बताया? नहीं माँ, ऐसा करने पर कहीं वो लोग मुझे भी परेशान करने लगे तो? बेटा, किसी की मदद करना सबसे अच्छा काम होता है। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तुम्हें सोनू की मदद करनी चाहिए। कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी और खुद टीचर से इस बारे में बात करूंगी, ठीक है? तुम ऐसा करो, सोनू को अपना दोस्त बना लो और जितनी भी मदद कर सकते हो करना, ठीक है? ठीक है माँ। कुणाल सुनैना के गले लग जाता है। अगले दिन सुनैना खुद कुणाल के स्कूल जाती है और सोनू के साथ हो रहे गलत बर्ताव की प्रिंसिपल से शिकायत करती है। सोनू को परेशान करने वाले सभी बच्चों को खूब डांट पड़ती है। उसके बाद से कोई भी सोनू का मजाक नहीं उड़ाता था।
कुणाल और सोनू अब अच्छे दोस्त बन गए थे। कुणाल हर रोज सोनू के लिए अपने घर से टिफिन ले जाने लगा। सुनैना भी उसे किताबें और दूसरा जरूरी सामान खरीद कर दे दिया करती थी। इस तरह सोनू और उसकी माँ की बड़ी मदद हो जाती थी। एक दिन सोनू और उसकी माँ कांता सुनैना के घर आए। अरे आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नमस्ते मैडम जी, मैं यहाँ आपको शुक्रिया कहने आई हूँ। मुझे बताया सोनू ने कि आप और कुणाल मेरे सोनू की कितनी मदद करते हैं। आप लोगों की वजह से ही मेरा सोनू आज इतने अच्छे से पढ़ रहा है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। इतना कहकर कांता रोने लगती है। सुनैना उसे सहारा देती है और उससे कहती है, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर भी एक काम है जो सोनू हमारे लिए कर सकता है। जी बताइए ना, क्या कर सकता है सोनू आपके लिए? सोनू को खूब मन लगाकर पढ़ना होगा और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी होगी। फिर उसके बाद जब भी उसे मौका मिले तब किसी न किसी ऐसे की मदद करनी होगी। बस ये वादा चाहिए मुझे सोनू से। सुनैना की बात कांता और सोनू के दिल को छू जाती है। सोनू उससे वादा करता है कि वो मन लगाकर पढ़ेगा और किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद सोनू और कांता वहां से चले जाते हैं। वक्त बीता और दोनों बच्चों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। सोनू को आगे की पढ़ाई के लिए एनजीओ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसकी मदद से वो दूसरे शहर में पढ़ने चला गया। उसकी माँ कांता भी उसके साथ ही चली गई। कुणाल भी कॉलेज जाने लगा। करीब 2 साल बाद कुणाल के पिता को बिजनेस में एक बड़ा नुकसान हो गया। धीरे धीरे उनका बिजनेस नुकसान में जाने लगा। कुणाल के पिता केशव ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने बिजनेस को डूबने से नहीं बचा पाए। पैसों की कमी की वजह से कुणाल कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। नौबत ये आ गई कि बिजनेस पर लिए गए लोन को चुकाने के लिए केशव को अपना घर तक बेचना पड़ा। इस सब से केशव को बहुत गहरा सदमा लगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। केशव की मौत सुनैना और कुणाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। सारे रिश्तेदारों और जानने वालों ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। मजबूरी में उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। सुनैना एक दिन कुणाल को उदास देखकर उससे कहती है, कुणाल ऐसे परेशान नहीं होते बेटा, सब्र रखो। कैसे सब्र रखूं माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ आखिर इतना बुरा कैसे हो सकता है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। पहले हमारा घर बिक गया, फिर पापा हमें छोड़कर चले गए। आपने जैसा सिखाया था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सका दूसरों की मदद करने की कोशिश की मैंने। फिर ये सब क्यों हुआ माँ? कुणाल की आंखों में आंसू थे। सुनैना भी दुखी थी। उसने कुणाल के आंसू पोंछे और फिर उसे समझाते हुए बोली, मैंने ये भी तो समझाया था ना बेटा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये सच है कि तेरे पापा का इस तरह चले जाना वाकई बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए। लेकिन जैसे अमीरी नहीं रही, वैसे ही गरीबी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी बेटा। हमें लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा। कुणाल को सुनैना की बात समझ आ गई थी। वो उसी दिन से अपने लिए काम की तलाश में लग गया। सुनैना भी लोगों के घरों में काम करने लगी, जिससे उन दोनों के खाने का जुगाड़ तो होने लगा, लेकिन रहने का इंतजाम अभी भी नहीं हो पा रहा था। फुटपाथ के पास ही दोनों एक छप्पर डालकर उसके नीचे रहने लगे। कुणाल अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, इसी वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मजबूर होकर उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब कुणाल मजदूरी कर रहा था, तभी उसकी फैक्ट्री के मैनेजर की नजर उस पर पड़ी। वो काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर कुणाल के पास आकर बोला, सुनो तुम कुणाल हो ना? जी मेरा नाम कुणाल ही है, लेकिन आप कौन और मुझे कैसे जानते हैं आप? फैक्ट्री का मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त सोनू था। सोनू ने कुणाल को देखते ही पहचान लिया था। वो कुणाल के गले लग गया और रोते हुए बोला, अरे कहां चला गया था मेरे भाई, कितना ढूंढा तुझे। भले ही कुणाल ने सोनू को देखकर उसे नहीं पहचाना, लेकिन सोनू के गले लगते ही वो उसे पहचान गया। उसने भी सोनू को कसकर पकड़ लिया और रोने लगा। पास ही खड़े बाकी मजदूर ये सब देखकर हैरान परेशान थे। कल तक जो उनका साथी मजदूर था, वो अब उनके मैनेजर का इतना करीबी जो हो गया था। कुणाल ने सोनू को अपनी आपबीती सुनाई। सोनू को ये सब जानकर बहुत दुख हुआ।
उसने कुणाल के आंसू पोंछे और उससे बोला, बस बहुत तकलीफें झेल ली तूने, अब तेरा भाई आ गया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरी और आंटी जी की वजह से ही तो हूँ। मुझे सबसे पहले आंटी जी के पास ले चल, मुझे उनसे अभी मिलना है। कुणाल सोनू को उस जगह लेकर जाता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ छप्पर डालकर रह रहा था। सोनू उसका हाल देखकर चौंक जाता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही उसे सुनैना दिखाई दी, वो सुनैना के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए उससे बोला, मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, आप और कुणाल इतनी मुसीबत में थे और मुझे आप तक पहुंचने में इतनी देर हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। सुनैना सोनू को पहचान नहीं पाती, वो हैरानी से कुणाल की तरफ देखती है, फिर कुणाल उसे बताता है, ये सोनू है माँ, मेरा बचपन का दोस्त, मैं जिस फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ ये वहाँ का मैनेजर है। ये सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके ये आंसू खुशी के थे। उसे सोनू को कामयाब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो सोनू को आशीर्वाद देते हुए उससे बोली, जीते रहो बेटा, बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तुम अपनी मेहनत से आज कामयाब हो गए। नहीं आंटी जी, अगर आप और कुणाल मेरी मदद ना करते तो मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। आप दोनों मेरे साथ चलिए मेरे घर, अब हम सब साथ रहेंगे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं होगा, ऐसे हम तुम्हारे घर पर नहीं। नहीं, बचपन में आपने मुझे अपना बेटा मानकर मेरी मदद की थी ना, तो अब आप मुझे पराया क्यों समझ रही हैं? मैं बिल्कुल अकेला हूँ, माँ एक साल पहले मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, और वैसे भी मुझे आपसे किया वादा भी तो पूरा करना है ना, किसी की मदद करने का। सुनैना सोनू की बात सुनकर भावुक हो जाती है, उसे कांता की मौत के बारे में जानकर बुरा लग रहा था। वो सोनू की बात मान लेती है और कुणाल के साथ सोनू के घर रहने चली जाती है। सोनू एक आलिशान घर में अकेला रहता था। सोनू सबसे पहले कुणाल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाता है और फिर उसी फैक्ट्री के अकाउंट सेक्शन में उसे एक अच्छी नौकरी दिलवा देता है। अब सब ठीक हो गया था, सुनैना और कुणाल के बुरे दिन बीत चुके थे और सोनू भी अब इस दुनिया में अकेला नहीं था।